हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। नाउ टुडेज टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था। एंड इन दिस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया? गोल्ड स्टीन ने किया, 1886 में किया। ओके, क्या क्या सेटअप बनाया? सेम टू सेम सेटअप। उसने एक ग्लास का ट्यूब लिया, ग्लास का एक ट्यूब लिया, इसके अंदर यहां पर ऐसा कर देते हैं, यहां प्रेशर, माइनर सा प्रेशर लिया बहुत, और यहां पर कैथोड और एनोड लगाया। दिस वन इज कैथोड और दिस वन इज एनोड, और इसके अंदर थोड़ा सा गैस भरा, बिल्कुल माइनर सा प्रेशर। तो पहले मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको राइट डाउन करवाऊंगा। सेम टू सेम करंट पास करवाया, हाई वोल्टेज पास हुआ। अब इस बार गोल्डस्टीन को, जेजे थॉमसन को इधर लाइट दिखा था, गोल्डस्टीन को इधर इसने जेडनेस इधर लगाया। जेडनेस किस लिए लगाते हैं? ताकि जब ये लाइट पड़े तो ग्लो हो। अब जब हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो एक लाइट इधर से निकलता है और इधर जाता है। जेजे थॉमसन को क्या दिखा था? सॉरी, जे थॉमसन को लाइट कहां से निकल रहा था? कैथोड से। किधर जा रहा था? एनोड की तरफ। गोल्डस्टीन को क्या दिखा? एक लाइट यहां से निकला, इस प्लेट से निकला, और किधर जा रहा? इधर जाके ग्लो हो रहा है। तो उसने इस लाइट को एनोड, एनोड रे बोला, एनोड रे, एनोड रे, या इसको बोला पॉजिटिव रे, पॉजिटिव रे, या इसको एक और नाम दिया, ठीक है, इसको एक और नाम दिया जिसको हम कैनाल रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको एक और नाम दिया उसने, कैनाल रे, बराबर है, राइट डाउन कर लेना आप, कैनाल रे के नाम से भी जानते हैं। तो सेम सेटअप सेम था, एक्सपेरिमेंट भी, ऑब्जर्वेशन भी सेम था। इसके अंदर अगर एक फैन रख दिया गया तो फैन रोटेट हो रहा था, यानी इस एनोड रे में फैन को यह रोटेट कर रहा था, यानी इसमें मैकेनिकल फंक्शनल था, मैकेनिकल फंक्शन था। मैकेनिकल फंक्शन होने का मतलब ये जब रे इसे टकरा रहा था ये रोटेट हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जा रहा था तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, यानी एनोड रे, एनोड रे अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स निगेटिव, निगेटिव पार्टिकल्स, निगेटिव चार्ज। तो इसने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला?
कि उस रे में एक पार्टिकल्स है, यानी रे एनोड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच हैज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा। वो रोटेट कर रहा था, फैन को रोटेट कर रहा था। इट हैज मैकेनिकल फंक्शन, दैट मीन्स इट हैज मास, यानी उस पार्टिकल्स के पास क्या था, मास था। दैट पार्टिकल्स हैज मास, और उस पार्टिकल्स को बोल दिया गया, कि वो क्या है, प्रोटॉन है। उस पार्टिकल्स का नाम दे दिया गया प्रोटॉन। और ये जो रे था वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इट इज डेविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डेविएटेड, डेविएटेड मतलब ये अपने पाथ को डेविएट हो रहा था। इट इज डेविएटेड टुवर्ड्स, इट इज डेविएटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज डेविएटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रहा था। तो चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, एक ग्लास ट्यूब लिया जैसे जेरे थॉमसन ने किया था। अब ये लाइट इधर से निकल के इधर जा रहा था, तो उसको इस लाइट का नाम, इस रेडिएशन का नाम रखा एनोड रे या पॉजिटिव रे या कैनाल रे। ये मैकेनिकल फंक्शनल दे रहा था, यानी कि ये रोटेट कर रहा था, ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज था। मैकेनिकल फंक्शनल देने का मतलब इसके पास मास है, और उस पार्टिकल्स का नाम रख दिया गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, जो कि स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा था, ट्रेवल हो रहा था। इट इज डेविएटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता था तो ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता था, ठीक है। अब इसका भी आगे चल के क्या निकाला गया, E by M वैल्यू। तो इसका जो E by M वैल्यू निकलता है, इसका E by M रेशियो, E by M रेशियो यानी चार्ज, किसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और मास प्रोटॉन का, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, उसी को बोला जाता है चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो E बाई एम वैल्यू जो होता है, E बाई एम वैल्यू वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये किस तरह का गैस भरा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि कैथोड रे में डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एनोड रे में E बाई एम वैल्यू विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। E बाई एम वैल्यू विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब ई बाई एम वैल्यू क्या होता है, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है प्रोटॉन का, वो हम अलग से लिखवाएंगे। बराबर है, एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट, एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड, एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड, एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड, एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज प्लेट, एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज प्लेट, एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज प्लेट। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। In the path of anode ray, in the path of anode ray, in the path of anode ray, then it will deflected, then it will be deflected, then it will be deflected. आगे लिखना, unlike cathode ray, the positive charge particles depend upon nature of gas present in cathode ray tube, present in cathode ray tube, present in
प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब है, फुल स्टॉप डाल के लिखना। दीज आर सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन, दीज आर सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन, दीज आर सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। हो गया, आगे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, द चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। यानी चार्ज अपॉन मास रेशियो विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। बराबर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, तो एक चीज हमें क्या समझ में आया कि कैथोड रे कहां से निकलता था और कहां जाता था, और एनोड रे कहां से निकलता था और कहां जाता था। एनोड रे पहले बताओ, कैथोड रे ट्रेवल कहां से कहां तक करता था, कैथोड टू एनोड की एनोड टू कैथोड। कैथोड रे विल जनरेट
माइक, तो दिस वन इज चार्ज ऑन प्रोटॉन और दिस वन इज मास ऑफ प्रोटॉन, एमयू। एमयू को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसका मीनिंग कल समझाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। और ये केजी में हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, इस सब का मीनिंग कल समझाते हैं। ओके,